हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एट बीपी में टाइपिंग कैसे हुई है, उसके आगे ये प्रोसेस क्या हो सकती है, मेडिकल के बारे में जो है वीडियो वो कब तक आ सकता है, और इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सो हाय गाइस, दिस इज शान एंड यू आर वाचिंग स्टडीज नाउ डॉट कॉम। सो फाइनली ITBP 2015 की जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट हो चुका है और मैं उसमें क्लियर भी हो गया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो मेरी स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड दी गई है, और मैंने आपको मैटर भी प्रोवाइड करवा रखा है कि मैटर कैसे आता है टाइपिंग में। सो गाइस, इस टाइप की टाइपिंग हुई थी, मैटर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, सिंपल आया था, और मैंने उस मैटर की भी फ़ोटो आपको प्रोवाइड करवा रखी है स्क्रीन पे आपके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैटर कैसा आया था। और 10 मिनट की टाइपिंग थी, उसमें 40 वर्ड पर मिनट की मेरी स्पीड निकाली गई है। तो मैटर काफ़ी इजी है, और इसके बाद की प्रोसेस क्या हो सकती है, देखो जो टाइपिंग जिसकी टाइपिंग क्लियर हो गई है वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइपिंग के लिए काफ़ी कम टाइम मिला था, जिसकी वजह से काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं, उनकी टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाए, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए ठीक से। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अभी से टाइपिंग की भी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि 2017 में जो इक्विपमेंट की पोस्ट आई थी उस पर भी आपको चांस मिल सकता है, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप यहाँ से मैटर देख सकते हैं, मैटर कैसा आता है वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो जैसे कि आप मैटर देख सकते हैं, इस टाइप का मैटर आता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है मैटर, सिंपल मैटर होता है। और इसके बाद एक मैरिट लगेगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किसका मेडिकल कब होगा, और वो मैरिट डिपेंड करेगी कि कितने लोगों ने टाइपिंग क्लियर किया है। तो हम इंश्योर करके चल रहे हैं कि 80 से अबव वाले जो हैं वो टाइपिंग मेडिकल के लिए जा सकते हैं, 80 से अबव वाले जो हैं टाइपिंग के बाद मेडिकल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि पोस्टें काफ़ी कम हैं, तो मेरिट पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 80 से ज़्यादा जिसके नंबर होंगे वो मेरिट देने कन्फर्म जा सकता है। एंड हाँ, इससे रिलेटेड जो मेडिकल का जो वीडियो होगा, ITBP में मेडिकल कैसा होता है उसकी फुल प्रोसेस ही होगी, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। एंड जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इससे कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो क्या गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जिन्होंने टाइपिंग क्लियर कर ली है वो मेडिकल के लिए जुड़ जाए, और मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल कैसा होता है, और आप जो चीज़ आप ठीक कर सकते होंगे वो आप पहले ही ठीक करवा लेंगे, जिससे आपको मेडिकल में रीमेडिकल का कोई झंझट झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे। और जो टाइपिंग, जिनकी टाइपिंग क्लियर हो गई है उनको बेस्ट विशेस, और जिनकी नहीं हुई है वो आगे की तैयारी करें अपनी। ओके गाइस,